बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम, आपका एस्ट्रोलॉजर। ये हफ़्ता कैसा रहेगा? 21 से 27 जून के दरमियान। और सैजिटेरियन, ये हफ़्ता आपको बहुत ही रिलैक्स लाने के लिए, आपका मेजर चेंजेस, सूरज आपका, सन आपके सातवें घर से राहु के नीचे निकल के वो आपके आठवें घर में वीनस के साथ आएगा और आपको बहुत एडवांटेजेस दे जाएगा, बहुत एडवांटेज। आपके अंदर एक बड़ी एक हमदर्दी और चेयरफुल और लविंग पोजीशन होगी आपकी, बहुत अच्छी होगी। अब आप आगे चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी और इस किस्म की चीज़ों पे भी आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिल जाएंगे। ये मैं महीने की बात कर रहा हूँ। स्टार्ट आपका 12वें घर से हो रहा है और 12वें का लॉर्ड आपका जो है ना वो आपके 9th हाउस में मार्स बैठा है। तो जब 12वें का अपना कह लें, पहले यानी कि 12वें का घर जब अपना 9th में जाता है तो थोड़ा सा आप वो फॉरनर वो ट्रैवलिंग आती है और बिज़नेस पे ऐसे खर्च करते हैं जो उनका ताल्लुक फॉरनर से है, चैरिटी से है, या इस किस्म के कामों में आपकी दिलचस्पी बहुत होगी। बहुत बेहतर तरीके से आप उनको लेके चलेंगे और काफ़ी यहाँ पे आप और यहाँ पे बड़ी संजीदगी से बड़ा, बस कोशिश कीजिएगा कि हिडन अफेयर्स में ना जाइएगा, कोई नेगेटिव काम नहीं करना, कोई अंडरहैंड काम नहीं करना। वहाँ पे अगर आप बात या चैरिटी या उसमें काम करेंगे तो उसको आपको उसके एडवांटेजेस बहुत मिल जाएंगे। आगे चलते हैं 23-24 को आपके सैंडर में केतु के साथ, तो थोड़ा आप में चलाकियाँ शारियाँ बहुत तेज़ होंगी, बहुत ही एडवांस अपने आप को ना तेज़ करेंगे। आपको आपको पता केतु बैठा है तो वो आपके साजिश, मनफी ख्याल, धोखा दही, चलाकी, बदकारी, इस कामों में आपको बहुत तेज़ करेगा। तो इसलिए आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी कोई डिग्रेडेशन हो जाए। अब हम देखते हैं कि इसका लॉर्ड चौथे घर में बैठा, जब पहले का लॉर्ड चौथे घर में जाता है ना, तो यहाँ पे आप अपनी फैमिली की पे काम करते नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अपने घर को चलाने के लिए अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते नज़र आ रहे हैं। अहले खजाना खुसूसन वालदा की खिदमत करते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, औरतें अपने अहले खाना के लिए नौकरी भी कर लेंगी, सोचेंगी, ये मैं आपको पहले बता दूँ। और यहाँ वो ख़वातीन जिनके बूढ़े माँ बाप हैं उनको सहारा देने के लिए वो कोई ना कोई नौकरी हासिल करने का भी प्लान करेंगे। आप कोई ना कोई पेट लेंगे, कोई जानवर लेंगे, कोई पाल लेंगे, घर बनाने की कोशिश का ख्वाहिश प्लानिंग करेंगे और बहुत ज़्यादा इन होंगे अपने। और यहाँ पे आप थोड़ा सा आप बदला लेने की आड़ में एक कह लें कि एक प्लानिंग मनफी ख्यालात आप पे छाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपने कोशिश करना है कि अंडर कार्ड पढ़िया, मतलब पॉजिटिव रखिएगा, ये ना हो कि किसी की टांग खींचते खींचते आप खुद कोई अपना कर लें। यहाँ पे आप क्विक टेम्पर, एक्सट्रीमिस्ट, सेल्फिश, इम्पल्सिव, इम्पेशेंट, स्टूबर्न, ये फेज़ आपके ऊपर आ सकते हैं। एटीट्यूड एप्टीट्यूड में बड़ा आपका फ्लक्चुएशन होगा और थिंकिंग प्रोसेस में आप दो हिस्सों में सवार होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, स्प्लिट पर्सनालिटी जिसे कहते हैं ना, उस पर आप घुसने कोशिश करेंगे। विल पावर शेकी होगी आपकी, लेकिन बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन डिसीजन मेकिंग में आप दो किश्तियों में सवार होंगे, अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे बड़ी चलाकी से। प्लानिंग उस दिन आपकी कमाल की होगी, खूब प्लानिंग करेंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस से अपने काम को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। आगे चलते हैं 25-26, यहाँ दूसरे घर में आपके मून है और बड़ा संजीदा होगा। जब दूसरे का लॉर्ड तीसरे घर में आ जाए तो बंदा नई नई राहें तलाश करता है कि मैंने पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे मेहनत करनी, और अपनी मेहनत से अपने आप को अपलिफ्ट लेने की कोशिश करता है। और अच्छा, वो लोग जो एजुकेशन में है वो एजुकेशन हासिल करने में बड़ी कोशिश करेंगे, कोई चीज़ ही सीख लें, कोई दाखला ले लें, कोई पढ़ना, कोई मुख्तलिफ मज़ामीन पर तहकीक करना की सोचेंगे, क्यों ना मैं ये काम कर लूँ। और उस दिन आपके पेरेंट्स आप पे बड़ा गर्व करेंगे, आपको कहेंगे ये बच्चे हमारे कितने हैं। मीडिया, साइंस, टीचिंग, रिसर्च, मशीर, कंसल्टेंट, इनमें ये आप इस शोबों में बहुत दिलचस्पी लेंगे बहुत ज़्यादा। और छोटे छोटे बहन भाइयों और नौकरों पर बड़ी शफकत करते हुए उन पर पैसा खर्चेंगे, छोटे छोटे सफ़र भी आएंगे, दूसरे शहर में कहीं जाके खाना खाएंगे और गाने सुना, मौज मस्ती करना, ये काम आपका चलेगा। और यहाँ पे आपको बड़े अच्छे तरीके से
संजीदगी से पैसे आते नज़र आ रहे हैं। कोई रुकी हुई रकम निकल जाएगी, आ जाएंगे, कोई टीए ऑनरेरियम, कोई बिल पास हो जाएगा, कोई ठेका था उसके पैसे रुके हुए थे वो भी उस दिनों में आ जाएंगे, चेक क्लियर हो जाएगा। तो इस किस्म का 27 तारीख को सैटर्न आपका तीसरे का लॉर्ड तीसरे के घर में बैठा हुआ है, तो वहाँ पे उस दिन आप एतवार अपने बहन भाइयों के साथ गुजारते, घर पे गुजारते नज़र आते हैं और खूब वहाँ पे उनके साथ उनको बड़ी नसीहतें, अपने बहन भाइयों पे बड़ी नसीहतें करेंगे, वो पढ़ाई करो, पढ़ाई का बड़ा फ़ायदा होता है, ये होता है, और ख़ुद भी लेक्चर देना शुरू कर देंगे, अपनी कुफ्ते गुफ्तार और इलम का सहारा लेके उनको टीच करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पे राइटर्स बहुत अच्छा लिखेंगे, रिसर्च स्कॉलर बहुत अच्छा, मीडिया एंकर और सिंगर्स ये बहुत कामयाब होंगे। उस दिन मीडिया वाले बहुत इन संजीदगी से प्रोग्राम करते नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छा बड़ा उनकी रेटिंग बड़ी पॉजिटिव रेटिंग आएगी, ना कि वो लड़ाई झगड़े वाली आएगी। कमाल जहनीत तो दानिशमंदी के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे सफ़र होंगे, छोटे बहन भाइयों के साथ आप कोई सैर सपाटे पर भी जा सकते हैं और उनके साथ किसी ऐसी जगह पर जाके तो दूर दराज मकाम पर बैठ के बाहर खाने खाते हुए नज़र आ रहे हैं और रेस्ट करते नज़र आए। कोशिश करना घर से जाने से पहले अपनी गाड़ी का पेट्रोल चेक कर लीजिएगा, टायर चेक कर लीजिएगा, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो सकती है, कोई टायर पंक्चर हो सकता है या कोई ट्रैफिक के कुछ फंस जाएंगे, काफ़ी 2-3 घंटे डिले भी हो सकता है, तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपने घर से निकलना होगा। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। सैजिटेरियन एंजॉय कीजिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।